পড়তে যাওয়ার সুবর্ণ সুযোগ মিশন এমবিবিএস বেস্ট অ্যাব্রড এমবিবিএস কনসালটেন্সি ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল। গত 10 বছর ধরে মিশন এমবিবিএস মেডিকেল ছাত্রছাত্রীদের স্বপ্ন পূরণে নিয়োজিত। ভর্তির জন্য কল করুন 9732122744 নম্বরে। আর হাম ভি তিন চার তবে ভাষণ ভি দিয়া উধার মে তো ইসি কে লিয়ে হাম জেসে কিষান মুভমেন্ট বঙ্গাল মে আপকো পতা হ্যায় কি হাম সিঙ্গুর মুভমেন্ট সে শুরু কিয়া থা আর 26 দিন হাম হাঙ্গার স্ট্রাইক ভি কিয়া থা কি কিষান কা জমিন নেই লেনা চাহিয়ে ফোর্সফুলি। अरे हम कानून बातिल किया था और अभी हमारा स्टेट में ही कानून है कि फोर्सफुली कोई लैंड नहीं लेना चाहिए, किसान का नहीं लेने देंगे। इसी के लिए हमारा कानून भी है, मॉडल है इंडिया का। तो इसी के लिए किसान मूवमेंट जैसा जारी है उसको हम लोग चाहते हैं जितना दिन तक उसको डिमांड ना फुलफिल हो इतना दिन तक वो लोगों को पूरा सपोर्ट करने के लिए हम लोग तैयार है। उन्होंने एक रिक्वेस्ट मेरे को किया कि ऑपोजिशन का जितना चीफ मिनिस्टर है सबको साथ बात करके अगर एक दिन वो लोगों का साथ भी हम लोग वर्चुअल कॉन्फ्रेंस एक साथ में मिल के कर सकती हूँ। और उन्होंने उसका जो प्लेटफॉर्म है उसका नीचे में एक प्लेटफॉर्म बनाएगा, वो प्लेटफॉर्म में हम लोगों को भी आमंत्रित किया है जाने के लिए। हम लोगों ने कोविड थोड़ा डाउन होने के बाद इसका बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन हम जरूर चीफ मिनिस्टर लोगों ने जो हमारा दोस्त है हम लोगों ने बात करेंगे कि इसका जो मूवमेंट चल रहा है इसी के बारे में हमारा सबका ओर से एक यूनिफॉर्म लेटर जाए। जैसे लोकसभा चुनाव का पहले लोकसभा आने का पहले वो लोगों को भी मदद मिले, यही बातचीत हुआ है। और कोविड से लेकर किसान और बेरोजगारी से लेकर इंडस्ट्री आज भूखा है हिंदुस्तान, इसको पॉलिसी के लिए भूखा पॉलिसी के लिए ऐसा पॉलिसी बना दिया फोर्सफुली सब बिल कानून पास करके लेता है और ऐसा ऐसा कानून बनाते हैं जिसमें आज इंडस्ट्री सफर कर रहे हैं। आज इवन कोविड जो मेडिसिन इक्विपमेंट उसमें भी जीएसटी ले रहा है। किसान का मूवमेंट 7 महीने से चल रहा है, आज जनवरी महीने से कोई बात भी नहीं किया है लोगों का साथ, क्यों नहीं किया है? ये लोग तो हमारा देश का ही आदमी है, बात करना क्या मुश्किल होता है? बात करके अगर 3 बिल वापस ले तो क्या होता है? जो किसान नहीं मानते हैं तो किसान के ऊपर उसको चपा देने का फोर्सफुली इम्प्लीमेंट करने का तो कोई कारण नहीं होता है। तो इसी के लिए हमारा भी मांग है किसान का 3 बिल विड्रॉ करे। दूसरी बात यह है कि इसको गलत पॉलिसी के लिए कोविड में बहुत सारे आदमी मर गया, हमारा 18 to 45 years जो हमारा अनएम्प्लॉय जो हमारा एम्प्लॉय यंग जनरेशन है मिडिल एज जनरेशन है बहुत सारे मर गया। और अभी भी कब आएगा कैसे आएगा डिस्ट्रीब्यूशन क्या करेगा मेरे को पता नहीं है। अभी भी कहते हैं कि 25% प्राइवेट को जो देंगे वो भी हम डायरेक्ट सेंट्रल से देंगे। क्यों डायरेक्ट सेंट्रल से देंगे? अगर स्टेट गवर्नमेंट फेडरल सिस्टम में स्टेट का हेल्थ इट इज़ ए जॉइंट सब्जेक्ट, लेकिन स्टेट का ही सबको इम्प्लीमेंट करना पड़ता, टीका अगर देना पड़ता है तो स्टेट को ही देना पड़ता है, तो इसमें उन्होंने क्यों प्राइवेट सेक्टर को देंगे? उनका नहीं होना चाहिए स्टेट को डिवाइड करने के लिए, स्टेट का पॉलिसी को डिवाइड करने के लिए। एक कोविड पॉलिसी हम लोग को पता ही भी नहीं है अभी तक, गाइडलाइंस भी पता नहीं है अभी तक क्या कर रहा है। एक एक दिन जा रहा है और डेड बॉडी उत्तर प्रदेश से भसा दे रहा है और नदी में चलता है डेड बॉडी। हमारा भी बंगाल में डेड बॉडी मिला, बिहार में बहुत सारे मिला, कोई ध्यान ही नहीं है कितना डेड बॉडी नदी में उतार दिया, गंगा में उतार दिया। ऐसा कोई ऐसे देश चल सकता है? तो इसी के लिए 7 साल में जो बीजेपी ने जो राज चलाया वो खाली खबरदारी करने के लिए, जबरदस्ती करने के लिए, जो काला कानून है काला कानून के लिए आने के लिए, किसान को हत्या करने के लिए, इंडस्ट्री को बंद करने के लिए, बेरोजगारी बढ़ाने के लिए, कोविड से लेकर किसान तक पूरा आज हिंदुस्तान आज धुक रहा है। इसी के लिए हम लोग भी चाहेंगे कि किसान का मूवमेंट स्ट्रांग हो। अनएम्प्लॉयड का यूथ का बहुत सारे नौकरी चला गया, सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्प्लॉयज़ का अभी काम का भरोसा नहीं है, इंडस्ट्री की भी इनकम नहीं है। और अभी तो जैसा लॉकडाउन
और डिफरेंट जो सिस्टम चल रहा है कोविड के लिए, देश में इकोनॉमी आज डिजास्टर में चला गया है। एक तो नेचुरल डिजास्टर वी आर फेसिंग और एक पॉलिटिकल डिजास्टर वी आर फेसिंग। कोई नहीं कुछ बोलता है तो उसको ऊपर एजेंसी लगा देता है, यही तो है उसका काम, और कोई काम नहीं है। ऑफिसर को भी डराता है, ऑफिसर को लिए भी कानून बना दिया कि उन्होंने कोई लिखने भी नहीं सकता है, कोई पुस्तक भी नहीं ले सकता है, कोई बोल भी नहीं सकता है। बोली में भी बंद कर दिया, जैसे नोटबंदी किया था अभी बोली बंद कर दिया, बोली भी बंद कर दिया। ऐसे तो नहीं चल सकता, इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री, तो इंडिया को डेमोक्रेसी लोकतंत्र को रक्षा करने के लिए जो भी होना है, हम अपोजिशन जितना भी है सबको रिक्वेस्ट करने चाहूँगी, और बीजेपी का भी बहुत सारे पुराने लोग है जो पुराने घराने का आदमी है, आज जो नौजवान भी बीजेपी में चला गया था मोदी को देख के, वो लोग को वापस आके एक कट्टा होके हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के तैयार करने के लिए, किसान को बचाने के लिए, यूथ को बचाने के लिए, मजदूर का बचाने के लिए, सबको एक कट्टा होने के लिए हमारा मिनती रहेगा। और सौ हॉट चीफ मिनिस्टर एक साथ में हो फेडरल स्ट्रक्चर में, स्टेट गवर्नमेंट का भी एक यूनियन होना चाहिए, जो यूनियन में एक साथ में मिलके अगर कोई स्टेट को ये लोग हैरेस करे तो और सब स्टेट मिलके उसको फाइट करे, यही मेरे को बोलना है। हमारा बहुत बहुत धन्यवाद है कि बहुत दूर से टिकिया जी एंड अदर लोग ये लोग ने आया है इधर में, पार्टी का जनरल सेक्रेटरी भी बताया, तो आपका नाम थोड़ा बोल दीजिए ना, विवेक भारतीय जनता संयुक्त मंच का, तो मैंने उसको भी, हमारा बंगाल का भी रहता है उधर भी लास्ट में बैठे हैं, सबको मैं स्वागत किया है, और बंगाल का जो भी हमारा सपोर्ट चाहिए हम देने के लिए प्लान। The farmers movement, you are supporting the farmers movement, but how do you plan to bring all the opposition parties together? And now that Mr. Rakesh Shikhar has come and met you, is it an additional responsibility for you to take the entire charge? Are you willing to lead it, lead the entire opposition plan against the farmers? नहीं, farmers के लिए, किसान के लिए, जो किसान संयुक्त मोर्चा जो 7 महीने से movement कर रहा है, ये लोग चाहते हैं कि देश भर, ये तो खाली हरियाणा और पंजाब और उत्तर प्रदेश का नहीं है, पूरा देश का है। किसान तो हर देश में हर प्रांत में रहते हैं, तो इसी के लिए अगर हम लोग सब मिलके एक कट्टा होके उनको साथ में हम रहे तो सबसे बढ़िया होगा। तो इसी के लिए हम, यू फॉरगेट माय नेम, आई डोंट वांट टू लीड इट, बट वी थिंक इट इज़ अ कलेक्टिव फैमिली, लेट अस वर्क टुगेदर। Ma'am, I have one more question about the Prime Minister announcing absolute free vaccine for all from June 21st. How do you see this drive? While the Prime Minister was addressing the nation, he also kind of indicated that states have not been able to contain it, perform. Thus, the center is now acting upon and now decided to give free vaccine. How do you see the entire drive undertaken by the Prime Minister of giving free vaccine? You have written few letters in the past. First you tell me whether central government is successful to drive this now, why they have not given this drive before 6 months ago, why so many 18 to 45 years the people are died already because they have not get, they didn't get the COVID vaccine or the oxygen, how even Agra yesterday humne dekha kya 22 patient ko mock poll ka naam pe oxygen nahi deke mar diya. What is this? What is going on? अगर फ्री वैक्सीन देगा तो इतना प्राइम मिनिस्टर का क्रेडिट लेने का कोई जरूरत नहीं है, एक रुपया बीजेपी का नहीं है, ये रुपया जनता का है, और जनता का ये रुपया है तो जनता का पास पहले से क्यों नहीं गया? 35,000 crores रुपया था जिसमें जनता के लिए वैक्सीन देने के लिए, वो रुपया कहाँ गया? एक क्वेश्चन तो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, हम भी सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट किया था, हम लोग आभारी है सुप्रीम कोर्ट का जो उन्होंने एक डायरेक्शन दिया है, और स्टेट के इम्पोर्टेंस देने के लिए, फेडरल स्ट्रक्चर को इम्पोर्टेंस देने के लिए बोला है, लेकिन अभी तक भी एक गाइडलाइंस नहीं बनाया, अभी तक भी कब आएगा, कैसे आएगा, क्या करेगा, कुछ हालत ठीक नहीं लगता है। ये लोग बोलते हैं कुछ, करते हैं कुछ, जब तक तो पूरा ख़त्म नहीं होगा हम नहीं कहेंगे,
कि हम विद स्टेट, हमारा स्टेट में जैसा हम 2 करोड़ का माफी हम टीकाकरण कर दिया, कोविड वैक्सीनेशन दे दिया, ऐसे बहुत सारे स्टेट है जो अपने से खरीदा और अपने से किया, ऐसे हम भी 200 करोड़ रुपया का वैक्सीन खरीदा और दिया, ऑक्सीजन भी हम लोग को ही खरीदने पड़ता है, प्राइम मिनिस्टर ने कुछ नहीं दिया है भाषण छोड़ के, तो भाषण देना नहीं है भाषण में, वो तो बिहार का इलेक्शन का पहले बोला था फ्री वैक्सीन देगा, कितना दिन हो गया, कितना दिन होगा, 7-8 महीना हो गया, अगर पहले से वैक्सीनेशन हो जाता तो क्या होता, अगर रुपया भी इसके लिए था तो क्या है, पीएम केयर्स में कितना फंड है, वो फंड से भी 35,000 करोड़ में इसमें ही हो जाता था वैक्सीन, नहीं दिया, तो ड्राइव क्या है, ड्राइव तो स्टेट गवर्नमेंट का खिलाफ में बोलने का एक डाटी ड्राइव है और कोई नहीं है, अगर जनता के लिए करता तो डिवाइड एंड रूल नहीं कर सकते थे, तो स्टेट अलग सेंट्रल अलग ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, और हर हर बात पे स्टेट गवर्नमेंट को बुलडोज करना ये फेडरल स्ट्रक्चर में ठीक नहीं लगता। सिर्फ फार्म लॉज ही नहीं लेकिन 2024 के चुनाव से पहले एक यूनाइटेड ऑपोजिशन की भी मांग उठ रही है, इन परिस्थितियों में क्या आप यूपीए को लीड करना चाहेंगी? हम कुछ नहीं करने चाहेंगे, हम एक ही बात करने चाहेंगे कि मोदी जी को हटाने चाहेंगे। ये हो रहा है कि पेट्रोल डीजल की प्राइस में हाइक हो रही है, पहले से ही होता आ रहा है, अभी आप क्या बोलेंगे इस पर? इसमें बीजेपी का कोई केयर ही नहीं करते हैं, हर रोज डोमेस्टिक सिलेंडर का गैस का दाम भाव बढ़ रहा है, पेट्रोल का भाव बढ़ रहा है, डीजल का गैस बढ़ रहा है, डीजल का भाव बढ़ रहा है, तो किसान खेती कैसे करेगा? और इसमें जो किचन होता है ना, किचन में आग लगता है, प्राइस हाई कि सो हाई, ऐसे तो कोविड चल रहा है, इसका बाद हर रोज दाम बढ़ाते जा रहा है, इवन दे कैन नॉट स्पेयर द जीएसटी टैक्स फॉर द कोविड इक्विपमेंट्स एंड द कोविड मेडिसिन, दिस इज रॉन्ग। कल जो प्राइसेस फिक्स किए गए वैक्सीन के, सेंटर की ओर से देखा जा रहा है कि हर डोज पर 5% जीएसटी लगा रहा है, क्यों लगा रहा है, इस पर क्यों लगा रहा है, ये अन्याय है, कोविड वैक्सीन पे जीएसटी 5% लगाते हैं तो वो जिंदगी का, जिंदगी और मौत का खेल कर रहा है, सवाल ही नहीं पैदा होता है, इसको तो पहले विड्रॉ करना चाहिए, बड़ा बड़ा भाषण देता है, 1 घंटा का भाषण में कोई जीएसटी विड्रॉ होगा ये बात तो नहीं है। दीदी एक क्वेश्चन है, बोल दो जल्दी जल्दी जल्दी। पीएम ने वैक्सीन की घोषणा की है, मुफ्त वैक्सीन की, इस भाई अभी किसान का मूवमेंट के लिए आया है, आप किसान लोगों को पूछो ना। दीदी बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है सीमा पर सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, कोरोना पर सर्जिकल स्ट्राइक करे, क्या बोला? दीदी बॉम्बे हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को बोला है कि सीमा पर सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, कोरोना पर सर्जिकल स्ट्राइक करे, तो ठीक ही बोला है, जब तक मेरे को समझ में आपका बात आया। अभी आप किसान नेता लोगों को पूछिए, वो लोगों को क्या बोल रहे हैं। टिकायत जी ने एक चीज बोला है कि बंगाल में वो लोग एक मॉडर्न किसान पॉलिसी चाहते हैं, आपको रिक्वेस्ट किया है, हमारा ऑलरेडी है, आप बंगाल के बाद भेजिए, आप उनका कुछ शिकायत रिप्लाई दीजिए। नहीं बंगाल वो लोग मिडिलमैन सिस्टम को हटाना चाहिए, भाई बंगाल का सब कुछ है, बंगाल में बंगाल में बंगाल में चीज का कर्मचारी थोड़ा सा डिपेंडेंट है, बीजेपी को वोट ना दो, बीजेपी ने देश का नुकसान किया है, अगर बीजेपी आएगी तो स्टेट बेचना शुरू करेगी, अगर बंगाल में बीजेपी आती तो जो टैक्सी चल रही है ना ये खत्म होती, झगड़े होते और आधा बंगाल बिकता, तो बंगाल को तो बचा लिया ममता जी ने, अब देश को बचाना है तो बीजेपी जाएगी तो देश बचेगा, बीजेपी रहेगी तो देश बिकेगा, बीजेपी को देश से जाना होगा, ये मुहिम रहेगी, जहां जहां आसम रहेगी वहां वहां मुहिम रहेगी हमारी, ये पंजाब रहेगा, उत्तर प्रदेश रहेगा, अभी उत्तराखंड रहेगा और यूपी मिशन शुरुआत होगी एक बड़ी पंचायत के साथ में शुरुआत होगी और सब लोग वहां पे जाएंगे, आप अपने तरीके से सब लोग वहां पे सपोर्ट करेंगे, हमको जाएंगे। थैंक यू जी, सबका धन्यवाद।
বেনারসির তিন অধ্যায়, রাজখরানা, রামনগর ও মঙ্গল বেনারসি, শাহা টেক্সটাইল।